الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه ذوي الهدى إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا شجرة وفاطمة لقاحها وعلي حملها والحسن والحسين ثمرها والمحبون لهم ورقها هم في الجنة حقا حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت نال درود پاک پڑھ لو والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حسين ابن علي بے مثل صبر و رضا والے حسین ابن علی ہیں بے مثل صبر و رضا والے نواسائی محمد ہیں بڑے صدق و صفا والے نواسائی محمد ہیں بڑے صدق و صفا والے لٹا کر کنبہ حضرت میں خدا کی راہ میں کہہ ڈالا لٹا کر کنبہ حضرت نے خدا کی راہ میں کہہ ڈالا جہاں والو ادھر دیکھو
यूं होते खुदा वाले जहां वालों इधर देखो है यूं होते खुदा वाले नवासाए मुहम्मद हैं बड़े सिद्को सफा वाले शरीयत के मुखालिफ की इताअत ना कभी करना शरीयत के मुखालिफ की इताअत ना कभी करना मुसलमान को सबक दे गए असद ये कर बला वाले मुसलमान को सबक दे गए असद ये कर बला वाले नवासाए मुहम्मद हैं बड़े सिद्को सफा वाले अल्लाह वहदहु ला शरीक दी हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे महबूब दानाए गुयूब व नज़्ज़हुन अनिल उयूब इमाम अल-अंबिया अहमद मुज्तबा सरकार मदीना राहत कल्ब सीना अफजलुल अंबिया खातिमुल अंबिया जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम दी बारगाहे बेकसपना विच बड़ी मोहब्बत व अकीदत नाल हदीए दुरूद व सलाम और बारगाहे राकिबे दोशे हुदा जिगर गोशाए अलीउल मुर्तजा नूर दीदे जहरा दिल बंदे इमाम हसन मुजतबा शहीद करबला हजरत सैदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सैद शहदा रदियल्लाह तआला अन्हो वरदाह दी बारगाह विच हदीए मोहब्बत वकीदत अर्ज करने तो बाद अज दी बाबरकत अजीम शान सालाना महफिल जिक्र सैयद शुहदा इस जामे मस्जिद के अंदर बरादर मुकर्रम मुजाहिद आले सुन्नत मोहतरम सैफुल्ला कादरी साहेब बरादर मुकर्रम इबरार शाह साहेब दे जेरे एहतमाम इंसराम और तमाम हालियाने लाखा सही और लकीदा अहले सुन्नत व जमात दे हजरात दे जेरे तमाम इनकाद पजीरे परवरदिगार साडी सब दी हाजरी अपनी पाक बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए अल्लाह ताला ए जिक्र व अजकार दा तोहफा और ए मोहब्बतां तमाम शहदाए करबला बिलखसूस सैयद शहदा
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दी बारगाह विच बतौर हदिया कबूल फरमाए। वज़ सामीन, अहले सुन्नत व जमात हजरात सहाबाए किराम रिद्वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आप दी मोहब्बत भी अपने वास्ते हिरज़े जान समझते ने और हजूर अलैहि सलातो व तस्लीम दे खानदान पाक आप दे अहले बैते पाक आप दी मोहब्बत भी ईमान दी शर्त अव्वली समझते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नो अपने सहाबा की मोहब्बत का भी हुक्म फरमाया और अपनी अहले बैत की मोहब्बत का भी हुक्म फरमाया। सहाबा की मोहब्बत बयान करदे इरशाद फरमाया इन्नल्लाह फरद अलैकुम हुब्बा अबा बकर व उमर व उस्मान व अली कि अल्लाह ने तुहाडे ते मेरे अबू बकर उमर उस्मान और अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम दी मोहब्बत नो फर्ज करार दिता है। कमा फरद अलैकुम सौम व सलात व हज व ज़कात व कमा काल जिस तरह अल्लाह ने तुहाडे ते नमाज रोज़ा हज ज़कात फर्ज की इवें ही मेरे चारे यारां दी मोहब्बत अल्लाह ने तुहाडे ते फर्ज की। दूसरे मकाम ते सहाबा दी मोहब्बत बयान कर दें इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग्दी अबगदहुम। हजूर ने फरमाया लोगो मेरे सहाबा दे बारे च खुदा को डरते रहना, कदी भूल के भी मेरे सहाबा दे बारे च जबान दराजी न करना। क्यों? फरमाया अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर हजरत अमीर माविया और दीगर सहाबा रसूल फरमाया तुसी इन्हां नाल मोहब्बत इन्हां दे कुरैशी होण दी वजह तो नहीं करदे, इन्हां दे मक्के दे मुअज्ज़ज़ खानदान दा फर्द होण दी वजह तो नहीं करदे, तुहाडी मोहब्बत अबू बकर नाल है तां वी रसूलुल्लाह दी वजह तो है, तुहाडी मोहब्बत प्यारे उमर नाल है तां वी हजूर दी वजह तो है, थोड़ी मोहब्बत किसे भी सहाबी नाले। फरमाया फबिहुब्बी अहब्बहुम मेरा कोई उम्मती भी जो मेरे किसे सहाबी नाल मोहब्बत कर दे ते ओदे किसे नसब की वजह तो नहीं करता, मोहब्बत कर दे सिर्फ इस वजह तो कि रसूलुल्लाह दा सहाबी मेरे महबूब दा गुलाम है। वमन अबगदहुम फबिबुग्दी अबगदहुम और फरमाया जेड़ा इस नाल किसे भी सहाबी नाल नफरत करे बुग्ज करे इनाद करे अंदर तो मैल और गंदगी रखे फरमाया वो उना नाल गंदगी नहीं रखता वो मेरे नाल रखता क्योंकि अल्लाह ने इन्हां नूं सहाबी मेरा बनाया, अल्लाह ने सहाबी मेरा बनाया जो इन्हां नाल मोहब्बत कर दे वो भी मेरी मोहब्बत की वजह तो मोहब्बत कर दे और जो इन्हां नाल बुग्ज ते इनाद रख दे फरमाया वो भी मेरी वजह तो रख दे। तो नबी पाक ने उम्मत नो सहाबा दी मोहब्बत और सहाबा दी अकीदत दा दर्स दिता और नाल आहले बैत दी मोहब्बत समझाई और सरकार अलैहि सलातो व तस्लीम ने आहले बैत दी मोहब्बत बयान करदे इरशाद फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यगज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहले बैती लिहुब्बी। हजूर ने फरमाया लोगों अपने रब नाल प्यार करो अपने रब नाल मोहब्बत करो अपने रब नाल इश्क करो। क्यों? फरमाया अल्लाह तुहानू गिज़ा देंदे अल्लाह ने तुहानू जिंदगी दिती मालक ने तुहानू सावां दितियां अल्लाह तुहाडे ते बेशुमार नेमतां फरमा रहे और फरमाया अल्लाह दी मोहब्बत दे नाल नाल मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत करो मेरी जात नाल प्यार करो या रसूल अल्लाह। क्यों? फरमाया हुब्बिल्लाह अल्लाह दी मोहब्बत दी वजह तो अल्लाह उसे दी मोहब्बत कबूल कर दे जिसनु मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत हो। और फरमाया हिब्बु अहले बैती लिहुब्बी फरमाया अल्लाह नाल भी मोहब्बत करो और अल्लाह दे महबूब नाल भी मोहब्बत करो और सरकार ने फरमाया मेरी वजह तो मेरी अहले बैत नाल भी मोहब्बत करो
मेरी वजह तो मेरी आले बैत नाल भी मोहब्बत करो। इमाम अल-अंबिया ने दूसरी हदीस अंदर इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सी व आली हब्बा इलैहि मिन आलिहि व इत्रती हब्बा इलैहि मिन इत्रतिही व ज़ातिही हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही कमा काल। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक सारी कायनात नालों वध के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत न करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया मेरी आले बैत नू मेरे घर वालिया नू अपने घर वालिया नालों अगे न समझे, मेरी औलाद नू अपनी औलाद नालों अगे न समझे, मेरी जात नू अपनी जात तो अगे न समझे। बल्कि तीसरी हदीस तो ये बात अंदर इमाम अल-अंबिया ने इस नालों भी कमाल दे जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया वल्लाहि ला यदखुलु ला यदखुलु अल-ईमानु कल्ब रजुल मुमिन इल्ला व हुवा युहिब्बु अहल बैतिहि कमा काल। मेरे महबूब ने फरमाया मोमिन होना तो दूर दी गल है, उस वक्त तक सीने च ईमान वड़दे ही नहीं जब तक मेरी आल नाल मोहब्बत ना हो, उस वक्त तक सीने च ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक मेरी आल दी मोहब्बत ना होवे, जब तक मेरी आल दा प्यार ना होवे। और चौथी हदीस अंदर इमाम अल-अंबिया ने इस नालों भी कमाल दे जुमले इरशाद फरमाए, मेरे महबूब ने फरमाया अरबातुन आना शफीउन लहुम यौम अल-क़ियामा। हजूर ने फरमाया चार बंदे ऐसे ने जिन्हां दा बाजू पकड़ के मैं आप जन्नत ले जाऊंगा, चार ऐसे ने जिन्हों का बाजू पकड़ के मैं आप जन्नत ले जावांगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह कौन, पर मैं अल मुकरम ज़ुर्रियती, पहला वो जो मेरी आल दी इज्जत करने वाले, जो मेरी औलाद का एहतराम करने वाले, जो मेरी औलाद की तज़ीम करने वाले, वो बैठा होवे। सैयद ज्यादा आ जाए, सैयद ज्यादा दे माल की वजह तो नहीं, ओदे हुसन की वजह तो नहीं, ओदी वड्डी गाड़ी की वजह तो नहीं, उसका दुनिया अंदर जो आम लोग अंदर मरतब है ओदी वजह तो नहीं, बल्कि सैयद की तज़ीम वास्ते इस वास्ते खड़ा हो जाए कि इदियां रगां अंदर रसूलुल्लाह दा खून है, इदे वजूद अंदर इमाम अल-अंबिया दा फैज है, इसका जिस्म अकदस इमाम अल-अंबिया दे फैज दा अमीन है। हजूर ने फरमाया अल-मुकरम ज़ुर्रियती, जो मजलिस महफल दारे बैठक ते बैठा होवे, मेरी आल दा कुफर्द आ जाए, अदब नाल सैयद होने की वजह तो खड़ा हो जाए, मैं बाजू पकड़ के जन्नत ले जावा। अल-मुकरम ज़ुर्रियती, फरमाया मेरी आल दी इज्जत करने वाला, मेरी आल दी तज़ीम करने वाला, मेरी आल का इकराम करने वाला। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा उन लोगों की जिन्होंने बारे हुज़ूर ने फरमाया मैं बाजू पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा, फरमाया वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, फरमाया जो मेरी अहले बैत और मेरे घराने दियां जरूरतां पूरियां करने वाले, जरूरतां पूरियां करने वाले। किसी सैयदजादे ने वुज़ू करने, वुज़ू वास्ते तशरीफ फरमा ने, पानी मौजूद नहीं, किसी आदमी ने देखा कि सैयद साहब तशरीफ फरमा ने वुज़ू का इरादा फरमाते ने मगर टूटियां अंदर पानी नहीं, वो दौड़दा दौड़दा गया, उसने लोटे अंदर नलका गेड़ के पानी भरिया ते लिया के सैयद नु वुज़ू करवा दिता, उसकी हाजत पूरी हो गई, उन्होंने वुज़ू तैयार हो गया, वो नमाज वास्ते तैयार हो गए। मेरे महबूब फरमाते ने भरिया इन्हें एक लोटे, लेकिन मेरी आल दी मोहब्बत अंदर पानी इन्हें एक शेर पेश की थे, मगर मेरी आल दे प्यार अंदर सरकार फरमाते ने मेनू ये अमल इतना महबूब है, इतना प्यारा है कि जो मेरी आल दी जरूरतां पूरियां करने वाले है मैं बाजू पकड़ के जन्नत में चले जाऊं। और इमाम अल-अंबिया ने तीसरा जिक्र फरमाया वसाइलहुम फी उमूरहिम हीन मत्तरु इलैहि हुक्मा काल। सरकार फरमाते ने जदों किसी मेरे सैयद नो मेरी औलाद नो किसी दीनी मामले अंदर किसी दुनियावी मामले अंदर मदद की जरूरत हो, इमदाद की जरूरत हो, उस बंदे ने उसकी इमदाद की थी सैयद ज्यादा होने की वजह तो, खिदमत की थी सैयद ज्यादा होने की वजह तो। मैं पहले भी अर्ज करता रहना कि अगर किसी सैयद की खिदमत का मौका मिले, किसी सैयद की खिदमत का और उन्होंने खिदमत और आर्जी पेश करने का मौका मिले, तो आम तौर पर जिवें असीं दूसरे नूं देंदे आ ना आंज करके दे छड़ना, इस तरह नहीं, बल्कि साडे बुजुर्गों ने सबक दिते कि किसी सैयद जादे की खिदमत करनी होवे तो खबरदार तेरा हाथ उत्ते ना होवे, सैयद दा हाथ थले ना होवे। पर मैं जदों भी किसी सैयद नो कुछ नजराना पेश करें, कुछ खिदमत पेश करें, तेरे हाथ थले हो, सैयद दा हाथ उत्ते हो,
आम ते वे ना के देण वाले दा हाथ उत्ते होंदे, लेण वाले दा हाथ थल्ले होंदे, देण वाला ऊपर वाले हाथ विच होंदे, लेण वाला थल्ले आंच करके खड़ा होंदे। फरमाया कोई सैयद अगर दुनियावी हालात अंदर मजबूर हो जाए, हालात दी तंगी दे पेशे नजर उसका गुजरान औकात मुश्किल हो जाए और तू उन सैयद ज्यादा होने की वजह तो खिदमत का इरादा करे, खबरदार दुनिया के माल की वजह तो अपना हाथ सैयद के हाथ उत्ते बुलंद ना करना, बल्कि जो भी पेश करना हाथ तेरा थले हो भावे तू देन वाले सैयद लैन वाले सैयद का हाथ उत्ते हो, सैयद हाथ की होवे उत्ते होवे। बल्कि मेरे हजूर ने, हजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन ने, हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन ने और हजूर अमीरे शरीयत ने आज भी सैयद का आदम करके दसे। आज भी अगर तुसी सियाल शरीफ चले जाओ, शर्तिया नाल कोई सैयद लेके जाओ और जाके अर्ज करो, हजूर ए सैयद साहब आप दी बैत होना चाहते ने, तो सियाल शरीफ के अंदर आज भी ये रस्म और रवाज और आज भी ये सुन्नत पाई जाती है कि सैयद तशरीफ ले जान तो हजरात हाथ विच हाथ दे के बैत नहीं करते, सैयद दे कदमा ते हाथ रख के बैत करते। हजूर दी आल दी इज्जत है, सरकार दी आल दा एहतराम है। और इमाम अंबिया ने इरशाद फरमाया, चौथा खुश नसीब जिदा मैं खुद शफी हाँ, जिदी मैं खुद सिफारिश करांगा, जिन्हों मैं खुद बाजू तो पकड़ के जन्नत के अंदर लेके जाऊंगा। इमाम अंबिया ने फरमाया, वल मुहिब्बीन लहुम बिकल्बी ही व बिलिसान ही। सरकार ने फरमाया जिदे दिल विच मेरी आल दी मोहब्बत होवे, जिदे दिल विच मेरी आल दा प्यार होवे, जिदे दिल विच मेरी आल दा इश्क होवे। इमाम अंबिया ने फरमाया, व बिलिसान ही, दिल विच भी मेरी आल दी मोहब्बत होवे और मोहब्बत अंगड़ाई लेके जबान ते जाहिर होवे और महफिल दी सूरत अंदर किसी भी मौका दे उते अपनी जबान ते मेरी आल दा नाम लेन वाला होवे, मेरी आल दे तज़किरे करने वाला होवे, मेरी आल दे जिक्र दी महफिल सजाण वाला होवे। सरकार फरमांदे ने जिदे दिल विच मेरी आल दी मोहब्बत और जबान ते उस मोहब्बत दा इजहार है, मैं मोहम्मद करीम दा वादा है, मैं बाजू पकड़ के खुद जन्नत विच ले जा। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात नु अल्लाह ने दो अखां अता फरमाईयां ने, एक अख विच सहाबा दा नूर है, दूजी अख विच आले बैत दी मोहब्बत दा नूर है। और दोनों नूर जदों बंदे कोल होन, जदों दोनों नूर बंदे कोल होन, दर वालियां दी मोहब्बत भी होवे, घर वालियां दी मोहब्बत भी होवे, सहाबा दी अकीदत भी होवे और आले बैत दी मोहब्बत भी होवे, जदों ये दोनों मोहब्बतां बंदे कोल होन फिर कयामत वाले दिन हजूर औदे कौसर तो जाम भी अता फरमानगे, इमाम अंबिया शफात भी फरमानगे और सरकार कबर विच तशरीफ ले आके कबर नु मुनव्वर भी फरमानगे। इमाम अंबिया सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो हदीस मैंने आप अवाब के सामने तिलावत की थी, बस मैं सिर्फ उदा तर्जमा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू नु खत्म करने वाला। सरकार ने अपने खानदान की मोहब्बत एक मिसाल नाल समझाई, एक मिसाल नाल समझाई, बड़ी खूबसूरत मिसाल। قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا شجره। امام الانبياء نے فرمایا لوگوں میری مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی درخت ہوے, انا شجره میں درخت ہوں, اور قران ایک درخت کی مثال دے کے فرماندا مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء وكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس। अल्लाह फरमांदा है कलिमा तैयबा दी मिसाल शजरा तैयबा दी तरह जिदियां जड़ां जमीन विच ते ओदियां शाखां आसमान तक। इमाम अंबिया फरमांदे ने मेरी मिसाल भी दरख्त दी तरह है जिन्हों अल्लाह ने ऐसी अजीम शान जड़ां अता फरमाईयां ने कि कायनात दी बुनियाद तक मुहम्मद रसूलुल्लाह दियां जड़ां ने और आसमान दियां बुलंदियां इन्हां टहनियां दे अगे नीवियां ने। अल्लाह ने अपने महबूब नूं ऐसा अरफा वाला मकाम फातिमा उस दरख्त दी जिस जगह ते फूल लग दे, फूल तो पहले अख बन दी है, की बन दी है, अख बन दी है। फरमाया फातिमा उस दरख्त दी अख है, और फरमाया अली ओ फुल्लां दा असर एक तो दूजे तक पहुंचाण वाले, अली ओ फुल दा असर दूजे तक पहुंचाण वाले। आज साइंस आख दिए
फुल्ला अंदर भी नरमादी होंगे ने। अज साइंस आखदी है फुल्ला विचों भी एक दूसरे की तरफ स्टिग्मे मुंतकिल होंगे ने। अज तो 1450 साल पहले इमाम अलंबिया ने महसूस फुल्ला की मिसाल दे के इस मसले को समझा दिता। मैं सारिया साइंसा मुहम्मद अरबी के कदमों से कुर्बान करा। हजूर ने फरमाया अली जोन हमलोहा, फरमाया मैं दरख्त हाँ, मेरी फातिमा उस दरख्त से लगन वाले फुलां दी पहली हालत है और मेरा अली फुलां दी खुशबू मुंतकिल करने वाले एक दी तरफ और दूसरी दी तरफ ले जान वाले। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हसनु वल हुसैनु समरुहा, फरमाया मैं वो अजीम दरख्त हाँ जिदा एक फल हसन है एक फल हुसैन है, एक फल हसन है एक फल कौन है हुसैन है। और मैं समझदा बे आहले बैते रसूल नाल वफादारी इस दा नाम नहीं कि बंदा एक रसूलुल्लाह दा फल तस्लीम करे एक रसूलुल्लाह दे फल दी तारीफ करे। बे फल बहुत मिठे ये फल बहुत आले ये फल बहुत कमाल दे ते उसे बाग दे दूजे फल दा नाम तक ना लवे उसे बाग दे दूसरे फल दा अपनी किसी महफिल मजलिस अंदर जिक्र तक ना करे। याद रखना उस वक्त तक ना सहाबाए रसूल दी गिनती पूरी होंदी है जब तक अली ते अली दे बच्चे विच शामिल ना होन और ना ही उस वक्त तक आले बैत दी गिनती पूरी होंदी है जब तक अली ते अली दे बच्चे विच शामिल ना हो। एक दा जिक्र कर लेना दूसरे नू छोड़ देना एक दी शाना बयान कर लेना और दूसरे दा जिक्र तर्क कर देना ये आले सुन्नत व जमात दा तरीका नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया मैं दरख्त हाँ और एक फल दा नाम हसन है एक दा नाम हुसैन है। हजूर दे सहाबी फरमाते ने मैंने वो मंजर वेखिया कि मस्जिद नबी दा माहौल सी हजूर मिंबर उत्ते तशरीफ फरमा सन इमाम अलंबिया दी गोद अंदर सरकार दे एक पहलू अंदर हसन इब्ने अली अली दे वड्डे शहजादे फातिमा तुज़हरा दी गोदी विच आण वाले पहले शहजादे इमाम अलंबिया दे कंधियां ते सवारी करण वाले हजूर दी जुल्फां नाल खेलण वाले हालत रुकू ओ सजूद अंदर इमाम अलंबिया दे नाल अटकेलियां करने वाले हजूर दी मुहब्बतां दा कमाल हिस्सा पाण वाले हजरत इमाम हसन सरकार दे पहलू अंदर तशरीफ फरमा ने। सहाबी फरमांदे ने मैंने वेख्या कि हजूर कदी सहाबा वल वेखदे ने कदी हसन वल वेखदे ने इस तरह हजूर तशरीफ फरमा ने अंज करके एक निगाह लोगों वाल एक निगाह हसन वाल एक निगाह लोगों वाल एक निगाह हसन वाल सरकार इस निगाह दे बार बार तकरार फरमा के अगे जुमले इरशाद फरमाए इबनी हादा सैयदन, फरमाया लोको मेरा पुत्र सिरदार है मेरा ये बेटा की है सरदार है इब्नी हादा सैयदुन, फरमाया मेरा पुत्र सरदार है लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैनफियतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया एक ऐसा वक्त आने वाले एक ऐसा वक्त आने वाले हुसैन भी कुर्बानी देगा कमाल दी हुसैन भी कुर्बानी देगा कमाल दी कयामत तक लोग उसकी कुर्बानी दी मिसालें देंगे। लेकिन फरमाया मेरा जो पुत्र सरदार है अल्लाह ने जिसको सरदारी बख्शी है इदी कुर्बानी भी इतनी बड़ी होगी। हुसैन नाने दा दीन बचाया सर कटा के और हसन ने नाने दा दीन बचाया सब कुछ कुर्बान करके। हसन ने बादशाही दिती बादशाही छोड़न को सौखी होंदी है अपना मनसब मकाम मर्तबा खिलाफत छोड़ देना सिर्फ इस वास्ते कि मेरे नाने दी उम्मत अंदर खून रेजी ना होवे मेरे नाने दी उम्मत अंदर खराबी पैदा ना होवे मेरे नाने दी उम्मत अंदर फसाद ना होवे। फरमाया कुर्बानी वो भी कम नहीं जड़ी हुसैन ने दिती है पर कुर्बानी ये भी घट नहीं जड़ी इमाम हसन ने दी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता सिर्फ इस वास्ते कि नाने दे दीन अंदर फसाद पैदा ना होवे नाने दे दीन अंदर खून रेजी पैदा ना होवे। इमाम अलंबिया ने फरमाया मैं दरख्त हाँ फातिमा उसकी पहली हालत है अली उन्हें फुलां नू तकसीम करने वाले और फरमाया फूल हसन है दूजा हुसैन है या रसूल अल्लाह दरख्त दे पत्ते भी होंदे ने या रसूल अल्लाह दरख्तां दे नाल पत्ते भी होंदे ने। इमाम अलंबिया ने फरमाया वल मुहिब्बून लहुम वल मुहिब्बून लहुम वरकहा, सरकार ने फरमाया मैं दरख्त हाँ फातिमा उसकी पहली हालत है अली फुलां नू वंडण वाले हसन हुसैन ओदे फल ने, फरमाया कयामत तक मोहब्बत करने वाले उन्हें दरख्तां दे पत्ते ने। अल्लाह दे महबूब ने तैनू मैनू कितनी इज्जत और अजमत अता फरमाई, फरमाया वल मुहिब्बून लहुम वल मुहिब्बून लहुम वरकहा, फरमाया इन्हां नाल मोहब्बत करने वाले उन्हां जन्नती दरख्तां दे पत्ते ने। या रसूल अल्लाह फिर दरख्त ते पत्ते भी नाल होंदे ने फुल भी नाल होंदे ने फल भी नाल होंदे ने, फरमाया हां हां हुम फिल जन्नत हक्का, फरमाया ए दरख्त भी जन्नती एदे पत्ते भी जन्नती एदे फुल भी जन्नती एदे फल भी जन्नती कयामत तक जो जो अपनी मोहब्बत दे नाल
इस दरख्त दे नाल पत्ते दी तरह जुड़न वाले अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। आले बैत दी मोहब्बत जन्नत दी जमानत है, आले बैत दी मोहब्बत रिज़्क दी बरकत दी जमानत है, आले बैत दी मोहब्बत ईमान दी सलामती दी जमानत है, और आले बैत दी मोहब्बत बंदे दे कामिलुल ईमान होने दी जमानत है। अल्लाह सानू हजूर दे सहाबा दी मोहब्बत, हजूर दे आले बैत दी मोहब्बत व अकीदत और खानदान रसूल दी हर हर निस्बत दी मोहब्बत व अकीदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।